केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः स योगी परमो मतः इत्येतत् पूर्वश्लोकार्थं सम्यक् दर्शनम् अनूद्य तत्फलं मोक्षः अभिधीयते
सर्वथा सर्व प्रकारैः वर्तमानोपि सम्यक् दर्शी योगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्यमुक्तैव स न मोक्षं प्रति केनचित् प्रतिबध्यते इत्यर्थः किञ्चान्यत् आत्मौपम्येन आत्मा स्वयमेव उपमीयते अनया इति उपमा तस्याः उपमायाः भाव औपम्यम् तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समं तुल्यं पश्यति योऽर्जुनः समं पश्यति योऽर्जुन स च किं समं पश्यत्युच्यते यथा मम सुखमिष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखमनुकूलम् वा शब्दश्चार्थे यदि वा यच्च दुःखं मम प्रतिकूलम् अनिष्टम् यथा तथा सर्वप्राणिनां दुःखमनिष्टं प्रतिकूलम् इत्येवम् आत्मौपम्येन सुखदुःखे अनुकूलप्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु समं पश्यति न कस्यचित् प्रतिकूलमाचरति अहिंसक इत्यर्थः यः एवम् अहिंसकः सम्यक् दर्शननिष्ठः स योगी परमोत्कृष्टः मतः अभिप्रेतः सर्वयोगिनां मध्ये एतस्य यथोक्तस्य सम्यक् दर्शनलक्षणस्य योगस्य दुःखसम्पाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवं तत्प्राप्त्युपायम् इति एतत् पूर्वश्लोकार्थं सम्यक् दर्शनम् अनूद्य
தத்ஃபலம் மோக்ஷஹ அபிதீயதே. पूर्व श्लोक में जिस विषय का भगवान ने निर्देश किया, जिस विषय का, जिस तात्विक स्थिति का प्रतिपादन किया है, तो उसी विषय का अनुवाद करते हुए श्रुति पहली पंक्ति में उन दो श्लोकों के विषय को एक पंक्ति में समन्वित करती है और दूसरी पंक्ति में भगवान इस स्थिति का फल बताते हैं. बोलते हैं तत्फलम मोक्षः विधीयते. पहली पंक्ति में मैंने पिछले के दोनों श्लोकों में जो बात कही गई, तो भगवान ने उसमें दृष्टि की बात कही है, दर्शन की बात कही. दर्शन माने ज्ञान, जिसको भगवान योगी बोलते हैं, जिसको सिद्ध बोलते हैं, उसका ज्ञान क्या है, उसका ज्ञान किस प्रकार का है, किस तरह से उसको दिखाई देता है, किस तरह से उसको जान पड़ता है, तो इसका निरूपण किया कि योगी की दृष्टि में केवल एक आत्म चैतन्य वस्तु है. उसी आत्म चेतना में, उसी चिन्मय आत्मा में तो द्रव्य की प्रतीति हो रही है और द्रव्य की उपाधि से ही काल की प्रतीति हो रही है और द्रव्य की उपाधि से ही देश की भी प्रतीति हो रही है. मैंने पूर्वापर का जो भान है, ये काल का भान है और ये द्रव्य के कारण ही होता है. ये द्रव्य पहले है और ये द्रव्य बाद में है. पूर्वापर का जो विवेक है, उसी को कभी कभी कार्य कारण विवेक भी बोलते हैं. कारण पूर्व में है, कार्य पर में है, पश्चात में है. लेकिन ये पूर्वापर की जो प्रतीति है वो होती है द्रव्य के कारण, द्रव्योपाधिक है ये. देश की प्रतीति क्या है? अंतरंग बहिरंग. ये वस्तु भीतर है, ये वस्तु बाहर है. यह जो प्रतीति है ये भी द्रव्योपाधिक है. निरुपाधिक देश की प्रायः प्रतीति नहीं होती. सो बीच में जो द्रव्य है ना, यही काल और देश की प्रतीति का हेतु बनता है. असल में ये तीनों की समकाल उपलब्धि होती है. द्रव्य परिच्छिन्न देश और द्रव्य परिच्छिन्न काल, माने काल स्वतः नहीं, बिना द्रव्य के काल की प्रतीति नहीं हो सकती. हो ही नहीं सकती. और बिना द्रव्य के अंतरंग बहिरंग की किसी भी प्रकार से प्रतीति नहीं हो सकती. जब हम कहते हैं ये अंतरंग है और ये बहिरंग है, तो बीच में उपाधि क्या है? द्रव्य.
जैसे देह की उपाधि बना करके फिर आप बोल सकते हो कि मन अंतरंग है और जो सामने के दृश्य हैं वो बहिरंग हैं। सो देश काल वस्तु, ये वेदांत के बड़े गहरे पारिभाषिक शब्द हैं, बहुत ही गहरे, चिंतन में बार बार इनको लाना पड़ेगा। इनका परस्पर ऐसा गहरा संबंध है, तीनों मिलके ही एक दूसरे को सत्य कर देते हैं। काल सत्य हो गया तो वस्तु नित्य हो गई। ये देखो, काल के वजह से ही वस्तु क्षणिक हो जाए या नित्य हो जाए, काल की वजह से ही वस्तु कारण हो जाए या कार्य हो जाए, देश की वजह से वस्तु विशाल हो जाए, क्षुद्र हो जाए, हैं, व्यापक हो जाए, अल्प हो जाए, सो ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। अब थोड़ा दूसरे ढंग से चिंतन करो, चिंतन में थोड़ी गहराई आनी चाहिए। वेदांत में जब आप सुनते हैं कार्य कारण का विचार, तो वो असल में वेदांत का असली विचार है नहीं। जब आप सुनते हो कार्य कारण का विचार, वो नहीं, विचार किसका होना चाहिए, दृश्य और दृष्टा का। ये वेदांत का अपना थोड़ा गहरा विचार है। दृश्य दृष्टा का विचार माने क्या हुआ, दृश्य शब्द में देश काल द्रव्य तीनों आते हैं, ठीक, कार्य कारण में तीनों नहीं आते, ध्यान गया, कार्य कारण में केवल काल आता है, द्रव्योपाधिक काल आता है, पूर्व काल की वस्तु कारण हो गई और पश्चात काल की वस्तु कार्य हो गई, बस देश नहीं आया। कार्य कारण में देश का अंतर्भाव नहीं है। इसी तरह से जब हम व्यापक और अल्प का विचार करते हैं तो वहाँ काल नहीं है, वहाँ देश है। जब अंतरंग बहिरंग का विचार करते हैं तो वहाँ भी देश है, काल नहीं है। ये इसके बीच में रहस्य है। इसलिए वस्तु व्यापक है कि अल्प है, ये कोई हमारा विचार नहीं है। हम उससे परहेज नहीं करते, हम उसका भी विचार करते हैं, लेकिन वो वास्तव में हमारा है नहीं। तुम कुर्सी पर बैठो, ठीक है, जिद है। सो देश का जब विचार करेंगे तभी अंतरंग बहिरंग की बात आती है, ये चीज अंतरंग है, ये चीज बहिरंग है, ये चीज, ऐसे जब हम बात करते हैं, विषय बहिरंग है, उसकी अपेक्षा इंद्रियां अंतरंग हैं, उसकी अपेक्षा मन अंतरंग है, ऐसे, तो यहां देश को प्रधान बना के सोचते हैं। सो देश काल द्रव्य, दृश्य कैसा शब्द है ये, दृश्य में ये तीनों इकट्ठे आ जाते हैं, देश भी दृश्य है, काल भी दृश्य है और द्रव्य भी दृश्य है। तो जब हम दृश्य शब्द बोलते हैं तो उसमें समूचा प्रपंच, द्रव्य भी, काल भी, देश भी,
दृश्य परिच्छिन्न काल भी और दृश्य परिच्छिन्न काल के आधार पर अनुमानित समष्टि काल भी। दृश्य परिच्छिन्न देश सॉरी द्रव्य परिच्छिन्न देश और उससे अनुमानित समष्टि देश, ध्यान रखना समष्टि देश को किसी ने देखा नहीं, केवल अनुमान प्रमाण से हमारे भीतर ये प्रतीति होती है कि एक अनंत देश है। अनंतता का साक्षात्कार नहीं हो सकता यदि वह अनंतता अन्य है। अनंतता यदि अन्य है तो उसका साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता, इसलिए देश की अनंतता का आज तक किसी ने साक्षात्कार नहीं किया है। वो केवल एक अनुमान है। उस अनुमान की व्याप्ति क्या है कि हर द्रव्य का एक आकाश होता है, ठीक, जहां जहां द्रव्य है वहां वहां आकाश है, तो सारे द्रव्य आकाश में हैं, तो द्रव्य समष्टि का एक महाकाश आधार होना चाहिए बस। तो अनुमित है जिसको आप महाकाश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई अनुमान कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो नित्य परोक्ष है, उसका साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से जिस समष्टि काल की बात हम लोग करते हैं, है ना, वो समष्टि काल है नहीं, माने साक्षात्कार का विषय नहीं है। परिवर्तन का बोध केवल सीमित द्रव्य में होता है। द्रव्योपाधिक काल को देख करके हैं समूचे कार्यकरण के परिवर्तन का कोई हेतु काल होगा, उसको हम बोलेंगे समष्टि काल। ये अगेन फिर से एक अनुमान है और अपने इन करणों से समष्टि द्रव्य को भी किसी ने नहीं देखा। हमारे इंद्रियों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो समष्टि द्रव्य को देख सके। सो आप चाहे तो अनुमान करो, जितना करना हो करो, बुद्धि का स्वभाव है अनुमान करते जाना, आपसे कभी पूछ के करती है कभी बिना पूछे भी करती रहती है। यदि उसको व्याप्ति मिलती है तो अनुमान करेगी वो। यदि किसी की कार देख ली उसने तो अनुमान किए बिना नहीं रह सकती कि लगता है कि अमुक व्यक्ति आए हैं लो। अब हमने तो नहीं कहा था कि अनुमान करो, तो बुद्धि का स्वभाव है। अगर उसको संबंध ज्ञान हुआ है और एक संबंधी दिखा माने लिंग दिखा, तो लिंग परामर्श जरूर हो जाएगा। चाहे आप माने ये ऑटोमेटिक एक मशीन की तरह काम कर देती है। तो इसलिए समष्टि काल, समष्टि देश, समष्टि द्रव्य, इसका अनुमान हमारी बुद्धि में होता ही रहता है। बोले आकाश की अनंतता तो दिखाई देती है, यहां तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं इसलिए नहीं दिखती, लेकिन ऊपर तो चूंकि बीच में कोई दीवार नहीं है इसलिए आकाश तो अनंत दिखाई देता है। कैसे? आलोक विशिष्ट आकाश ही दिखाई देता है। आलोक द्रव्य है, आलोक माने प्रकाश। ये आलोक जहां तक है वहीं तक काल की प्रतीति हो सकती है, आगे पीछे हो नहीं सकती।
और फिर आलोक के अगर पुंज कहीं दिख गए, तारे सूर्य चंद्र आदि, तो उस द्रव्य से विशिष्ट होकर के आकाश की प्रतीति हो जाएगी। द्रव्य निरुपाधिक होकर के आकाश की प्रतीति कोई कर ले, वो कोई जन्मा नहीं आज तक। आप कल्पना कर लो कि आलोक न हो हैं, और प्रकाश भी ना हो, अंधेरा भी ना हो, अंधेरा में भी आकाश की प्रतीति नहीं होती वैसे तो, क्योंकि अंधेरा कोई द्रव्य वास्तव में है नहीं। जरा देखो इन चीजों की हालत क्या है। तो आलोक रहित आकाश की प्रतीति ही नहीं है, इसका अभिप्राय क्या है? देश काल द्रव्य तीनों की समकाल में प्रतीति होती है द्रव्योपाधिक होकर के। वाह, अब अगर ऐसा है तो इन तीनों को दृश्य संज्ञा दीजिए, और अब देखिए कि दृश्य कहाँ है, द्रव्य कहाँ है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। दृश्य शब्द वाच्य देश काल द्रव्य तीनों कहाँ हैं? अब आप नहीं बोल सकते कि दृश्य देश में है, हैं? क्योंकि देश स्वयं दृश्य हो गया। अब नहीं बोल सकते कि काल जो है वो काल में है, नो, वो दृश्य शब्दवाच्य है। अब मेरा प्रश्न है कि दृश्य कहाँ है? अब इतना समझने के बाद अब क्या बोलोगे आप? तो उसको बोलना ही पड़ेगा कि इसलिए हमारे वेदांत में प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा की गई, प्रमेय व छिन्न चेतन और प्रमाता व छिन्न चेतन के ऐक्य को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, यही बोलते हैं ना, ऐक्य का मतलब दोनों एक देश में हो, बना। तो दृश्य प्रमेय हुआ, सो दृश्यावच्छिन्न छिन्न चेतन और दृष्टावच्छिन्न चेतन दोनों का देश दो नहीं है। कठिन तो नहीं हो रहा है आपको? अरे अमृत है ये, दुनिया कट गई, प्रक्रिया जाननी चाहिए और अब तो आपको ये सब सीखना ही चाहिए। दृश्यावच्छिन्न चेतन और दृष्टावच्छिन्न चेतन दोनों का देश दो नहीं है, एक ही देश है। वो देश क्या है? वो आत्मा है, और कौन है? सो सर्वभूतानि च आत्मनि, आया? ऐसे पंक्ति लगती है, ऐसे गीता अपना अर्थ प्रकट करती है। सारे भूत आत्मा में देखता है, वो तभी देख सकता है जब इस तरह से प्रमाण व्यापार हुआ हो। आंख से थोड़ो देख लेगा, आंख से देखने की चीज नहीं है। वेदांत प्रमाण के अनुग्रह से जिसको ऐसी प्रमा प्राप्त हो गई है वही देखता है। ये दृष्टि किसी क्रिया का परिणाम नहीं है। अच्छा भाई, और ये सारा का सारा दृश्य उसी दृष्टा चैतन्य से भरपूर है, उसी दृष्टा चैतन्य से सदरूप होके भास रहा है, उसी की सत्ता से सदरूप होकर के भास रहा है।
अन्यथा तो इस निस्सार दृश्य में हाँ, सत्ता का कोई नामो निशान नहीं है। इसकी प्रयोगशाला साधक को क्या बनानी चाहिए? अपनी वृत्ति। हाँ, वृत्ति दृश्य है और वह वृत्ति स्वयं सत्ता शून्य है, लेकिन वृत्ति सद्रूप भासती है अपने अधिष्ठान की सत्ता के कारण। अच्छा, वृत्ति देश और वृत्ति के दृष्टा देश में क्या अंतर है? दोनों का देश एक ही है ना? जिस देश में वृत्ति है उसी देश में दृष्टा है, बल्कि उल्टा करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। जिस जो दृष्टा का देश है वही वृत्ति का देश है, ठीक है। इसलिए जहां दृष्टा को भासना चाहिए वहां वृत्ति भास रही है, इसलिए वृत्ति मिथ्या है, क्योंकि जहां रज्जू को भासना चाहिए वहां सर्प भास रहा है। मिथ्या का लक्षण क्या है? परत्र भासमानत्वम। आप पढ़ेंगे धीरे धीरे और गहरे ग्रंथों में जाएंगे तो परत्र, परत्र माने जहां जो चीज नहीं है वहां भासना। रज्जू देश में रज्जू भासे तो क्या दिक्कत है, लेकिन रज्जू देश में सर्प भासे तो सर्प मिथ्या है। सो दृष्टा देश में क्या भास रहा है? प्रमाता देश में प्रमेय भास रहा है तो उसको मिथ्या होना ही चाहिए। कट गई दुनिया महाराज, अगर इस पर दृढ़ हो जाए, नहीं भी दृढ़ हो जाए तो ये छोड़ेगी नहीं, आपको पक्का जान लो। जब जब अधिकार की स्थिति बनेगी, विचार तो ऐसी चीज है ना, मरता नहीं। अरे साधारण साधारण विचार नहीं मरते, चाहे जितनी मर्जी खंडन कर लो। चार्वाक नहीं मरे, जैनी नहीं मरे, बौद्ध नहीं मरे, उनको भगवान भाष्यकार ने देश से बाहर निकाल दिया, वो महाराज फिर धमक गए। विचार जाकर के दूसरी जमीन पर अच्छी खासी फसल के रूप में बढ़ता रहा, 10 देशों में बढ़ गया, और फिर महाराज नेहरू जी ले आए उसको। अब क्या करें, शरणागत तो स्वीकार करना, वो अपनी संस्कृति है। ऊपर से हमारे अंबे और देकर दोनों मिल गए तो तो बहुत मुश्किल है भाई। एनीवे, मेरा कहना है कि इस विचार को संभालो। सर्वभूतस्थमात्मानम्, आत्मसत्ता ही दृश्य में सत्ता बन करके जगमग जगमग कर रही है। दृश्य में स्वयं की कोई सत्ता है नहीं। इस रूप में जो अपने को समूचे दृश्य प्रपंच में देखता है, आकाश सत सत, ज्ञानी महाराज खिल जाता है, बोले तो मैं ही हूं, और कौन है यहां पर। काल में सत्ता, देश में सत्ता, द्रव्य में सत्ता, असल में वो किसी इसी को देखता वेखता नहीं है। ये जोड़ घटाना वाली बात नहीं है, वो आत्मा को देखता है बस। जब कोई कहता है कि देश काल द्रव्य क्या है, तब उसका ध्यान जाता है, देश काल द्रव्य ये तो मुझ में ही हैं, और उनमें जो कुछ दिखता है वो मैं ही दिखता हूं। सत होकर के मैं ही देखता हूं, चित होकर के मैं ही दिखता हूं।
मुझमें मुझसे मुझको मैं ही दिखता हूँ। लो जी चारों हो गया हैं। मुझसे ये करण हुआ, मुझमें ये अधिकरण हुआ, मुझको ये प्रमाता हुआ, और मैं ही देखता हूँ ये कर्म हुआ हैं। कर्ता कर्म करण अधिकरण चारों मैं ही हूं। जब ऐसी गहरी दृष्टि बन जाए ना, विचार परिपुष्ट, संशय विपर्य से विनिर्मुक्त, जब ऐसी प्रमा बन जाए तब उसको बोलते हैं ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ। उसका भजन क्या है? बोले स्वरूप में रहना, यही भजन है। भजति एकत्वम आस्थितः। लो जी भजति कथम भजति, ढोलकेन कि तबलया है? बोले एकत्वम आस्थितः एव भजनम। आपको देखो श्लोक देखो, अमृत टपकता है। क्या बोलते हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको हर जगह देखता है। सर्वत्र माने सर्वभूतेषु, ध्यान रखना सर्वत्र माने देश नहीं। भाष्यकार क्या बोलते हैं? सर्वभूतेषु अर्थात भूतेषु कालेषु देशेषु। सर्वत्र का अर्थ अगर आप केवल देश कर दो तो वो नहीं रहा वेदांत, फिर थोड़ा खंडित हो गया। सर्वभूतेषु यद् भूतम तद् आकाशः अपि भूतम् काल अपि भूतम्। ये देखो पंक्ति देखो आप, आहा। बस इतने में तो जीवन चल जाएगा महाराज। मैंने उस दिन कहा था ना, व्यवहार सीमित करो जितना आवश्यक हो, और गीता जी को हृदय से लगा के जीवन सुख से बिता दो, बात खत्म हो। उपनिषद, अब तो बहुत धनी है हम लोग। उपनिषद है, गीता है, भागवत है, रामायण है, ये कोई दरिद्र थोड़ो है। ले दे के कोई एक किताब, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इस मंच पर, क्यों नाम लेना। हमारे जीने के लिए बहुत सामग्री चाहिए नहीं कुछ। यो माम पश्यति, यही भजन है। ये भजन नहीं हो पा रहा इसलिए दूसरे भजन है। वो दूसरे किस लिए हैं? इसलिए कि एक दिन ये भजन हो जाए, और क्या। पश्यति, आप देखते हो कैसे बोलते हैं, माम पश्यति कुत्र सर्वेषु भूतेषु अधिष्ठान रूपेण सर्वाश्रय रूपेण सर्वरूपेण। यो माम पश्यति सर्वत्र, और फिर देख करके सर्वभू, हाँ इसके बाद क्या, सर्वभूतस्थितम यो माम, क्या करे उसको, अपने को कहाँ ले जाए। बोले तो अपने को कहाँ ले जाना, एकत्वम, क्योंकि 29वें श्लोक में तो लिखा सर्वभूतस्थ मात्मानम, और 30वें श्लोक में लिखा यो माम पश्यति सर्वत्र। देखो तो दो दो थोड़ो होंगे, एकत्वम करो ना फिर। या असी पद 29वां श्लोक आया त्वम, 30वां श्लोक आया तत्, और 31वां क्या आएगा, बोले असी। कैसे बोलते हैं कि अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य जी का है। अरे तुमको दिखता नहीं है, थोड़ा आंख ठीक करो। काई विषय मुकुर मन लागी, ऐसा ना करो भाई,
बोलते हैं सर्वभूतस्थितम यो माम भजति कथम भजति एकत्वम आस्थितः। बस एक सत्ता है, उसको माम कह लो या आत्मा कह लो, उसी में सब है, सब में वो है। इस प्रमा के साथ जो रहता है वो तो मेरा सेवन करता है, भजति माने सेवते, मेरा सेवन करता है, मेरा भजन करता है। बोले महाराज वो स्खलित कब होता है? बोले वो स्खलित कभी नहीं होता, यही तो समस्या है। अगर आने जाने वाली बात करनी हो तो ये मत करना। यहां तो स्थिति यह है सर्वथा वर्तमानोपि, वर्तमान माने व्यवहार्यमाण, चाहे जैसे व्यवहार करे, माने उसका व्यवहार चाहे जिस रूप में होता हो। वर्तनम, वर्तमान माने काल नहीं है यहां, वर्तमान माने व्यवहार। सर्वथा सर्व प्रकार ही वर्तमान, उसका बहिरंग व्यवहार चाहे जैसे होता हो, वो रहता नहीं है व्यवहार में, कहां रहता है? मई वर्तते बस। मई और वो दो हैं नहीं तो वो तो अपने स्वरूप में ही रहता है। चिदात्मा सुखात्मनि, चिदात्म के सुखात्मनि तिष्ठामि। खंडनकार बोलते हैं श्रीहर्ष कि मैं अपने सुख स्वरूप चिदात्मा में बैठा हूं, तुम खटर पटर करोगे तो मैं इसलिए खंडन लिखते हैं, मुझे कुछ नहीं दिखता कार्य कारण आदि। अब तुमको अगर लिखता है दिखता है तो तुम ख्याति करने आते हो, ये थोड़े नए शब्द बोलेंगे, धीरे धीरे संस्कार पड़ेगा कि जगत ख्यात हो रहा है, इसको बोलते हैं ख्याति। पूछते हैं कौन सी ख्याति है ये? बोले स्वयं है इसलिए ख्यात हो रहा है, इसको बोलते हैं आत्मख्याति। सदरूप से ख्यात हो रहा है इसलिए सत्ख्याति। किसी ने कहा सदसद रूप से ख्यात हो रहा है इसलिए सदसद ख्याति, किसी ने कहा असत रूप से ख्यात हो रहा है असत ख्याति, किसी ने कहा अन्यथा रूप से ख्यात हो रहा है कुछ और चीज और दिख कुछ और रहा है, इसको बोलते हैं अन्यथा ख्याति। पंच ख्यातियां मानते हैं। अब जिसने जिसने जैसे जैसे निर्वचन किया तो उस निर्वचन में दोष दिखाया गया, ठीक, ये वेदांतियों की है। सारे निर्वचनों में दोष दिखाने के कारण निष्पत्ति क्या बनी कि ये अनिर्वचनीय ख्याति है। ध्यान रखना अनिर्वचनीय हमारी कोई ख्याति वाती नहीं, जो चीज है ही नहीं उसकी ख्याति क्या करना, हमारी थोड़ो है ये तो तुम निर्वचन करते हो उसमें दोष है इसलिए तुमने कहा अनिर्वचनीय, मेरा नहीं है ये सब। ये तो आप वेदांत पूरा पढ़ लो पक्का, जितना और पढ़ो तब वेदांत का सिद्धांत क्या है वो जब बोलते हैं ना अनिर्वचनीय ख्याति वेदांत की है, महात्मा लोग मुस्कुराते हैं कि ये देखो दूसरे की टोपी लगा के घूम रहा है एक कार्य कारण मीमांसा ये अनिर्वचनीय, ये बहुत सारी चीजें हैं जो वेदांत की प्रक्रिया में बोली जाती हैं, हमारी थोड़ो है वो, हमारी तो नेह नानास्ति किंचन, नाना नास्ति ये तो समस्या है, फिर कौन सा ख्यात हो रहा है? ख्यात हो रहा है ये तो गड़बड़।
मई वर्तते, मई क्या स्वरूपे एव वर्तते, स्वस्वरूपावस्थानम न कदाचित च्युतो भवति, व्यवहार के कारण स्खलन नहीं होता, ये बात दिखाते हैं। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई मई वर्तते। अरे भाई, ये कोई लोक लोकांतर नहीं है, ये कोई भाव भावांतर नहीं है, ये कोई समाधि विक्षेप नहीं है, ये कोई धर्माचरण नहीं है कि व्यवहार के दोष से स्थिति में दोष आ जाएगा। ये निश्चिंतता तो केवल यही है। देखो क्या बोलते हैं मालिक साहब, सर्वथा, किसी ने कहा भाई शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा इत्यादि, ये सब नहीं लिखना चाहिए। तुम महाराज समाज सुधारक होकर के वेदांत पढ़ोगे तो बाहर बैठो। यहां जब तत्व की चर्चा चल रही हो, उस समय आप हर समय समाज सुधार का झंडा लेके मत घूमो। क्या रहे, वो भाष्यकार ने लिखा, यहां कृष्ण भगवान बोलते हैं क्या, सर्वथा वर्तमानोपि मई वर्तते। को मई वर्तते, स योगी, सम्यक दृष्टि प्राप्त जो योगी है। योगी शब्द का अर्थ देखना, सम्यक दर्शी योगी, समाधिस्थ नहीं। क्या लिखा, सम्यक दर्शी। अब देखो, अगर व्यक्ति समर्पित होकर के शास्त्रों में जावे तो कैसा बनेगा। अभी तक ध्यान प्रक्रिया बताते रहे, 27वें श्लोक तक ध्यान प्रक्रिया बताते रहे, ध्यान का फल, ध्यान की चरम स्थिति, यस। 28वें श्लोक में आदेश भी दे दिया, पूरा कर दिया, युञ्जन् एवं सदात्मानम्। योगी विगत कल्मषः सुखेन, वो हो गया। 29वें श्लोक से दृष्टि का वर्णन किया, किस प्रकरण में, ध्यान के प्रकरण में। सर्वत्र समदर्शन, 29वां, 30वां, 31वां पश्यति शब्द है। 31वें श्लोक में शब्द है सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वं आस्थितः, मां भजति कथम एकत्वम आस्थिता, एकत्व में स्थित होकर के यो भजति, नारायण। सो दृष्टि जिसकी है वेदांतानुसारी, बस वो योगी है। मई वर्तते, मुनिरच्युतो भवेत। उठ नहीं रहा है। अच्छा, तो ये बिल्कुल स्खलन वर्जित, स्खलन संभावना रहित स्थिति का निरूपण भगवान ने कर दिया। अब एक श्लोक आता है, ये बड़ा विलक्षण श्लोक है भाई। जो सर्वाधिष्ठान आत्मा है, उस रूप में जो स्वरूपस्थ हो गया है, अब उसके जीवन में सुख, उसके जीवन में दुख, उसके जीवन में व्यवहार, ये दिखाने का क्या मतलब है। ये श्लोक लगता है, 32वां श्लोक अगर पढ़ें आप तो लगता है ये श्लोक व्यवहार से संबंधित है, व्यवहार की आचार संहिता है। अर्थात सीधे अध्यात्म के शिखर बिंदु से हट करके भगवान
सीधे सीधे धर्मशास्त्र में ले आते हैं हमको। ये 32वां श्लोक ऐसा है, थोड़ा इसमें अचानक प्रकरण बदलने जैसा भाव आता है। क्या बोलते हैं, अर्जुन यह समम पश्यति। हे अर्जुन, जो सम देखता है, सम देखता है कहाँ? बोले सर्वत्र। सर्वत्र में सर्वभूतेषु, सभी भूतों में एक जैसा देखता है, सबको सम देखता है। बोले यहां सम देखने का मतलब क्या है? सम देखने का मतलब है चेतन को देखना? नहीं, सम देखने का मतलब क्या है? सत्तत्व को देखना? नहीं, सम देखने का मतलब क्या, ईश्वर को देखना है? ओ नहीं। फिर अभी तो आप 29वें श्लोक में सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, और 30वें श्लोक में सर्वत्र शब्द आया, यो माम पश्यति सर्वत्र। सर्वत्र शब्द 30वें श्लोक में आया, 32वें श्लोक में सर्वत्र का क्या अर्थ है? बोले लोगों में। लो, सर्वभूतेषु का अर्थ है यहां पर लोगों में। समम का अर्थ क्या है? किस किसको देखता है समान? बोले जो सबको अपनी उपमा से देखता है। आत्मउपम्येन सर्वत्र यह पश्यति, बस इतना बनाना वाक्य। आत्मउपम्येन यह सर्वत्र पश्यति, अपनी उपमा से सबको देखता है। अने सबको देखने के लिए अपने को उपमा बना के चलता है, उपमान प्रमाण का प्रयोग करता है। उपमेय है लोक और उपमा है आत्मा। अच्छा, उपमा किस लिए बनाता है? सुखम वा यदि वा दुखम, इसके लिए लोगों, इसके लिए अपने को उपमा बनाता है, लोगों के सुख और दुख का अनुमान करने के लिए। हाँ, अपने को उपमा बनाता है, क्योंकि लोगों का सुख कभी अनुभव नहीं किया जा सकता, लोगों का दुख कभी अनुभव नहीं किया जा सकता, कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता, अनुमान नहीं किया जा सकता। यहां लिंग परामर्शोनुमानम नहीं है, क्या अनुमान करेंगे? किसी के चेहरे पर भाव देख करके, मुद्रा देख करके अनुमान किया कि इसको दुख है, हो सकता है वो एक्टिंग कर रहा हो। करते ही हैं, मतलब पैसा मिलता है उनको। क्रोध की एक्टिंग, मैंने अगर चेहरे पर उस तरह का लिंग दिखाई दिया कि वो महाक्रोधी, अंदर पता चला फूल झड़ियां छूट रही। क्यों? एक्टिंग अच्छी रही, पैसा ज्यादा मिलेगा। मैंने देखा हमारा सिग्नल्स पे वो आते हैं छोटे छोटे बच्चे पैसा मांगने, ये मुद्रा बनाते हैं कि आपका धन दिल जो है वो पी घल जाए बस। हाँ, अच्छा मान लो आपने नहीं दिया तो ऐसा बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ की तरह चले जाते हैं, जैसे नहीं दिया तो क्या हो गया, ठीक है, सुख दुख के समय कृत्व देखता हूं मैं, कोई निराशा नहीं देखता, एकदम दूसरी तरफ जाते हैं आराम से। मैं देखता रहता हूँ, बोले कमाल है यार, जब मांग रहा था ये पूरी इंटेंसिटी से मांग रहा था,
और नहीं मिला तो वो इंटेंसिटी तो कुछ तो चोट करनी चाहिए उसके दिल पर, बोले कुछ नहीं आदत ही नहीं है। ठीक है नहीं दिया था, ऐसे मूर्ख लोग बैठे रहते हैं हार्टलेस। हमको भी देख के वो ठोंक के खिड़की पे बोलता है सेठ। मैं कहता हूं भैया तेरे को मैं सेठ देता हूं। ए सेठ दो ना लो। चाहे जो मर्जी बैठा हो समदर्शना। उनको एक ही चीज दिखती है। लिंग परामर्श अनुमानम नहीं है, उपमान प्रमाण है। यहां पर उपमा कौन है? नीलगाय। आपने तो यही पढ़ा है ना कि गाय की उपमा से नीलगाय को पहचाना जाता है। यहां यहां उपमान क्या है? बोले दूसरे का दुख दूसरे का सुख ये उपमेय है, और उपमा आत्मा, और इनके उपमा से जो ज्ञान होने वाला है उसको बोलेंगे उपमान ज्ञान। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज हमको दुख देती है वही दूसरे को देती है, जो चीज हमको सुख देती है वही चीज दूसरे को भी सुख देती है। यही भगवान वेदव्यास ने एक जगह लिखा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। बस हो गई उपमा। कैसे लिखते हैं भाष्यकार? यथा मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणिनाम सुखम अनुकूलम। वा शब्दश्च अर्थे, यहां वा शब्द च के अर्थ में है, सुख और दुख, सुख या दुख नहीं बल्कि सुख और दुख। तो यदि वा यच्च दुखम मम प्रतिकूलम अनिष्टम यथा तथा सर्व प्राणिनाम दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इति एवं, इस प्रकार से अपनी उपमा से दूसरे के दुख सुख को भी समझना, जैसे मैं दुखी होता हूं वैसे दूसरा भी होता है, जैसे मैं सुखी होता हूं वैसे दूसरा भी सुखी होता है, इस प्रकार से संवेदना पूर्वक जिसका जीवन है, ये पर्सन हु इज वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। भगवान क्या बोलते हैं? सयोगी परमो मतः। लो जी, ये श्लोक ऐसा है भाई, कहां अभी बोल रहे थे सर्वाधिष्ठान आत्मा जिसमें द्वितीय वस्तु है नहीं, और एकदम धर्मशास्त्र में उतरे, बोले योगी जो ऐसा व्यवहार करता है वो परम योगी है, योगियों में भी परम है। और भाष्यकार ने भी कोई टिप्पणी नहीं करी, सर्वयोगिनाम मध्ये उत्कृष्टो योगी, बस छुट्टी कर दी। ये आत्मा को उपमा बना करके दूसरों के दुख सुख को देखने वाले योगी को क्या बोलते हैं? भाष्यकार ने कहा अहिंसक, एक शब्द लिखा इन्होंने अहिंसक इत्यर्थ बोलते हैं। वाक्यार्थ ये, न कस्यचित प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यर्थ, ये वाक्यार्थ है। आचरति शब्द आया, ध्यान रखना यहां दर्शन की बजाय आचरण है, किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता है, अर्थात अहिंसक जीवन है उसका, न प्रतिकूल सोचता है न प्रतिकूल बोलता है न प्रतिकूल करता है, सर्वांश में अहिंसक है, ऐसा योगी परम है। बोलते हैं यह एवं अहिंसक
सम्यक दर्शन निष्ठस्य निष्ठः स योगी परम उत्कृष्टः मतः। जो योगी अहिंसक है और जो योगी सम्यक दर्शन निष्ठ है वो परम है। अब इसमें थोड़ा दो भाव हैं जिनको समझना चाहिए। जब आचरण की प्रधानता से किसी की प्रशंसा हो रही हो तो कहीं कहीं ये मानना पड़ेगा कि वह व्यक्ति आचरण करने वाला है अर्थात करता है, मानना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा मान करके चलते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि जो पूर्व में योगी शब्द था ना, योगी युंजीत सततम, उस योगी की पीठ थपथपाई जा रही है कि भाई ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया में वेग भरने के लिए अगर सचमुच में इसमें सफल होना चाहते हो तो जीवन में एक सबसे मोटा सिद्धांत ये रखना पड़ेगा कि वृत्ति अधिकतम अहिंसक होना चाहिए। बस अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा एक तो व्यक्ति को व्यवहार में उलझने से बचा लेती है। इसलिए उसको समय मिलता है, जो वो काम करना चाहता है उसको वो करने के लिए फ्री है, उसको करने के लिए उसके पास अवकाश है, मौका है। अब पता चला हर जगह उलझने का स्वभाव, माने उलझते गए और स्वभाव बनता गया। ये तो स्वभाव ऐसी चीज है, प्रकृति की चीज है, वो बनता चला जाता है। फिर वैसा ही हमको लगता है ये तो मैं प्रासंगिक है, प्रासंगिक तो ठीक है लेकिन वो धीरे 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 पता चला कि वो स्वभाव बन गया, तो हर जगह उलझने का स्वभाव हो गया। तो उलझ गए तो फिर समय तो वहां नहीं मिलेगा, फिर ध्यानाभ्यास के लिए न बाहर समय मिलेगा न भीतर बैठेंगे तो वो उलझने जो हैं वो जो वाद विवाद है वो परेशान करेगा। इसलिए अहिंसक ये मददगार है, बहुत बड़ा मददगार है ये। दूसरा सम्यक दर्शन क्या बताया आपको, सर्वात्मभाव, यही ना, सर्व का आत्मा मैं हूं। अहिंसा इस सर्वात्मभाव के अत्यंत निकट है। इसको सोच के देखो, सच बात यह है कि अहिंसा आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि तद व्यतिरिक्त जब दूसरा नहीं है तो हिंसा किसकी करेगा। वन निष्क्रिय है तो हिंसा किसकी करेगा। जब सर्व का आत्मा ही वही है तो वह हिंसा क्यों करेगा। सो सर्वात्म भाव का असली, माने सॉरी, अहिंसा का जो असली स्वरूप घटने वाला है वो आत्मा में ही घटने वाला है। आत्मा निर्विरोध चेतना है जो अविद्या को भी नहीं मारती। हरिओम, मारती होती तो अब तक मार दी होती, लेकिन महाराज ऐसे निर्विरोध चेतन है कि वहीं पर सुख भी रह लेता है और वहीं पर दुख भी रह लेता है। लो, सुख दुख परस्पर निवर्तक हैं, परस्पर व्यावर्तक हैं। आत्मा किसी का व्यावर्तक नहीं है, बोले खुश रहो दोनों रहो।
अंतःकरण को अखाड़ा बना दो चाहे समाधि बना दो, उनको कुछ लेना देना नहीं। तो सबसे बड़े अहिंसक तो यही मालिक साहब हैं। तो अहिंसा पूर्णतः घटती है चिदात्मा में, और उसी चिदात्मा का अभिध्यान करने वाले अंतःकरण में वही स्वभाव, आत्मा का स्वभाव अंतःकरण में भी प्रकट होता है, तब अंतःकरण भी अहिंसक होता है। आप जिसका ध्यान करते हो उसका स्वभाव आपको मिलता चला जाता है, ठीक हो गया। सो अहिंसा सर्वात्म भाव का पोषक है, सर्वात्म भाव की पुष्टि करने वाला है। अहिंसा सर्वात्म भाव से सन्निहित भाव है, विरुद्ध भाव न होकर के अनुकूल भाव है। इसलिए ध्यानाभ्यासी को, सम्यक दर्शन की अपेक्षा करने वाले को अहिंसा वृत्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए। पीठ थपथपाई गई। अहिंसा शांतिर शांति शांतिम आर्जवम, कैसे हो, अमानित्वम मदंभित्वम अहिंसा शांति ही आर। देखो जगह जगह ये बात आती रहती है। स्वाध्यात्म में तो यही कहना पड़ेगा कि योगी ये कौन सा है, जो दसवें श्लोक का योगी है, जो साधक है, क्योंकि आचरण में प्रधानता दिखाई जा रही है, आचरति। ये दिखाया जा रहा है कि साधना काल में योगी के लिए अहिंसा वृत्ति परम उपकारी है। अच्छा, अगर आप ये अर्थ करो कि सम्यक दर्शन निष्ठ है, तो सम्यक दर्शन निष्ठ व्यक्ति के आचरण की मर्यादा करना ये जरा बाकी शास्त्रों में संगच्छते न, क्योंकि ऊपर वाला ही श्लोक क्या बोलता है, सर्वथा वर्तमानोपि। लो अभी अभी, कोई ज्यादा दूर नहीं है। दूसरे अध्याय में हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जब आचरण की धज्जियां उड़ाई गई किसके लिए, ज्ञानी की दृष्टि में, तो सडनली जो है ज्ञानी के लिए कहा जाए कि ज्ञानी असल बड़ा वाला ज्ञानी तब बनेगा, परमो योगी है ना ये। उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज भक्ति बड़ी है कि ज्ञान, तो बोले कि बड़ी तो भक्ति ही है। तो वहां महाराज दंडी स्वामी जी लोग एकदम खड़क गए, बोले क्या है, बाबा को देखो जब, तब भक्तों का इधर उधर उनका मन फुसला देते हैं, यथार्थ बात भी नहीं कहते। शास्त्र में ये कहा गया और बाबा देखो क्या बोलते हैं, बड़ी तो जो भक्ति ही है। तो किसी ने पूछा कोई दंडी स्वामी ने, बोले बाबा ज्ञान के विषय में आपका क्या कहना है। बोले ज्ञान में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर बड़ा छोटा देखना हो तो भक्ति है। उत्तर देखा आपने। बोले जब तक बड़ा छोटा चल रहा है तब तक तो बड़ा उसी को बोलो, ज्ञान हो जाने पर कौन बड़ा है, जब एकत्वम अस्तित्वम, तो बड़ा छोटा किधर है। ये है ज्ञान की स्थिति। तो इसमें
बड़ा वाला योगी, बड़ा वाला ज्ञानी, ध्यान रखना ये बड़ा वाला ज्ञानी तो फिर वही है बड़ा छोटा विभाग के क्या अंतर्गत है। और यदि तीसरा भाव है, यदि आचरण की प्रधानता नहीं है तब इसी श्लोक का परमार्थ अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है कि अब दुनिया को वो देखता है, सर्वत्र पश्यति, समम पश्यति। और उपमा क्या है, बोले आत्मा, आत्मोपमेन। और आत्मा के बारे में वो जानता क्या है कि आत्मा के अतिरिक्त कोई चीज नहीं है, न सुख न दुख न सर्व। तो अगर अपनी उपमा बना करके, ज्ञानी अगर अपनी उपमा बना के देखेगा तो जरा कल्पना करो, चिंतन करो, क्या अर्थ निकलेगा इसका। ज्ञानी की अपनी दृष्टि आत्मा के विषय में क्या है कि वह अद्वितीय चेतन है, अहम रहित। इसी को देखता है और सुख दुख और सर्व उसको मिथ्या देखता है, देखता ही नहीं। तो असल में ज्ञानी अगर अपनी उपमा बना दे, सचमुच में अपनी उपमा बना दे, हाँ नहीं, उपमेय का अभाव हो जाएगा। उपमा तो ठीक है लेकिन उपमेय किधर है? ये तीसरा भाव इस तरह से आता है। ध्यान रखना, ठीक ठिकाने लगना चाहिए सब चीजें। जब आप आचरण की प्रधानता करते हो तब वो साधक योगी होगा, और साधक योगी को बड़ा योगी कहा जा सकता है और छोटा योगी भी कहा जा सकता है। आखिर वो साधक योगी है, जो सिद्ध है न उसको बड़ा कहा जा सकता है न उसको छोटा कहा जा सकता। इसलिए तो फिर उसको परमो और अपरमो कहना मुश्किल है। इस अर्थ में ये आदेश हमारे लिए भगवान ने कहा कि साधन काल में साधक को अहिंसा वृत्ति अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए। ये मूलार्थ निकल के आया। भगवान मानते हैं कि योगी का एक बहुत बड़ा सहयोगी भाव है अहिंसक, दूसरे के दुख को अपने हिसाब से जैसा उसको तकलीफ होती है वैसा दूसरे को भी देख ले, दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, दूसरे के दुख में दुखी होवे, कुछ करे उसके लिए। ये साधक योगी आचरण अहिंसा उसके लिए पोषक है। वो इसलिए भी है, दूसरा भाव बोला था मैंने, क्योंकि अहिंसा सर्वात्म भाव के सन्निहित भाव है, सर्वात्म भाव का पोषक भाव है, और हिंसा सर्वात्म भाव का अत्यंत विरोधी भाव है। क्योंकि हिंसा में पहले परता आती है, ये दूसरा है, दूसरे को सत्य मानते हैं, फिर दूसरे को सत्य मान के उसको अपना विरोधी मानते हैं, फिर हिंसा करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही यथार्थ के विपरीत बुद्धि लेकर के हिंसा चलती है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि यदि ज्ञानी सचमुच में अपनी आत्मा को उपमा बनावे तो उपमेय नाम की कोई वस्तु फिर शेष रहती नहीं। अच्छा भाई, यहां पर भगवान ने 32वें श्लोक में तो प्रक्रिया पूरी कर दी। अब अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये जो आपने योग बताया है, मैं समझता हूं इसमें कोई बहुत उद्यम करे तो प्रवेश तो कर जाएगा लेकिन ठहर नहीं पाएगा,
क्या बढ़िया टिप्पणी मारी है। बोले एतस्य स्थितिम न पश्यामी। ये देखो, ये नहीं कहा ये हो नहीं सकता। जिस पर आपत्ति है वो ये है कि एतस्य योगस्य स्थितिम न पश्यामी। कैसी स्थितिम? स्थिराम स्थितिम। कोई स्थिर स्थिति इसकी बन जाए ये मैं नहीं देखता हूं। ये ठीक है कि प्रतिलोम परिणाम से मन को हमने बैठा दिया, वो हो जाएगा, लेकिन मन फिर निकलेगा। क्यों निकलेगा? उसका स्वभाव है चंचल, चंचलम ही मन कृष्ण। कोई स्वभाव, कोई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, इसलिए स्थिराम स्थितिम अहम न पश्यामी। भगवान ने देखा मेरे पैरों के नीचे की कारपेट सही सलामत है, यह नहीं है। ये जो हमारा चेला है ये तो कारपेट तो खींच रहा है, लेकिन भगवान ने विराट रूप ले लिया होगा। बोले बच्चों खींच नहीं सकते। उत्तर दिया, कल देखते हैं इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।